अब हम लोग देखेंगे कि टाइम मेरा किसमें दिया रहेगा, फ्रैक्शन में। अगर टाइम फ्रैक्शन में भी रहेगा तो इसके लिए तो इस रूल से बनेगा नहीं बनेगा, यानी टाइम जहां भी एग्जाम में फ्रैक्शन में रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल रहेगा, पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड के पावर टी। लेकिन जैसे अगर 3/5 है f का वैल्यू फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर एफ, आर क्या लिखेंगे, रेट, और f क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। अब भाई क्या हो जाता है 100, समझ गए। अब मान लीजिए ci का पूछेगा तो ci में कुछ नहीं करना है, ci बराबर क्या हो जाएगा, p 1 प्लस क्या हो जाएगा, r बाई 100 के पावर t, और क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर एफ। अब भाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस इसका पावर नहीं होगा, समझ गए। इसका पावर 4/5 का लिखिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो 2, 3, 4 में ना दिया रहेगा। जैसे यहीं पे सोचिए, जो क्वेश्चन नंबर कितना देखना है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 15 देखना है ना जी सर। तो 15 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो 15 है उसमें पी कितना हजार है, 40,000। कितना हजार है आपका, पी है 40,000, पी कितना हजार दिया हुआ है आपका, 40,000। रेट कितना परसेंट है, 5%। जो टाइम है 2 पूर्णांक 3/5 वर्ष में दिया है, किसमें है, 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी, यानी मेरा क्या पूछ रहा है इसमें, सीआई पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो आप यहाँ से सोचिए क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं पता रहता तो काम गड़बड़ा जाता। तो f का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, f बराबर कितना हो गया, 3/5, और ओरिजिनल टाइम बराबर कितना हो गया, 2। तो ci का फॉर्मूला यही ना है, है कि नहीं, और नहीं तो इससे बनाइएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 40,000 में से घटाना पड़ेगा। तो आपको जैसे इच्छा उससे बनाइए, तो क्या करें, पहले इसी से बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, किससे बना है, जल्दी बोलिए किससे बना है, ऊपर की नीचे, नीचे वाला। तो चलिए ci बराबर कितना हो जाएगा, p कितना हजार है, 40,000 है, और कितना हो जाएगा, 1 प्लस r, r का वैल्यू कितना परसेंट है, 5 में क्या हो जाएगा, 100। टाइम कितना साल का लेना है, 2, क्योंकि फ्रैक्शन वाला का अलग लिख दिए हैं। फिर कितना हो जाएगा, 1 प्लस r, r का वैल्यू कितना परसेंट है, कितना परसेंट है जी, 3/5 है, r का वैल्यू 5 है, f का वैल्यू कितना है, 3/5, और भाई क्या हो जाएगा, 100, और माइनस क्या हो गया, एकदम आसान कर दिए कि नहीं, यहाँ से 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, ये कितना बार में जाएगा, 20 बार में, तो कितना हो गया, 40,000, 40,000 और की एक्सिम कितना हो जाएगा, 20 और 21, 21/20 का होल स्क्वायर, और ये तो नहीं ना कटेगा, तो 3 बच रहा है, तो 100 और 3 कितना हो जाएगा, 103। अब भाई क्या हो जाएगा, 100 गुना में होगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1। इसको सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया, आंसर आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगर सरप्लस बनाएंगे सर, ऊपर वाला से बनाइएगा तो आपको फिर सॉल्व करके 40,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्या, जैसे ऊपर वाला से बनाइएगा तो बात तो वही ना आएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आपको माइनस करना पड़ेगा, 40,000। थोड़ा ये चैप्टर कैसा है जी, कैलकुलेटिव, मतलब कि गुना भागा बहुत ज्यादा भयानक रहेगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन, 500 वो देखना है, इसके बाद 500 आंसर देता है, 16 नंबर बन जाएगा, 16 नंबर दिया हुआ है, यदि रेट कितना परसेंट है जी, रेट है आपका 5%, टाइम दिया है 3 साल, और दिया है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3 वर्ष का सीए कितना दिया है आपका,
63.05 तो p क्या होगा, बनेगा कि नहीं, हाँ या ना? बन जाएगा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 17 नंबर क्या दिया है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है, टाइम कितना साल है, 3 साल, रेट कितना परसेंट है, 10%, और पी कितना है, वार्षिक दर से 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कितना है, 1000 है, और सी आई कितना होगा, सब बहुत अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बना के दिखाइएगा, टाइम है 1.5 साल, टाइम कितना साल है, 1.5 वर्ष, कितना है आपका, 1.5 वर्ष, रेट कितना परसेंट है, 10% है, पी कितना है आपका, 2400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित होता है। आप देखिए एकरा में क्या क्या घुमा दिया है, एकदम समझ गए ना, फेरा पे फेरा है, इसमें आपका छमाही बोल रहा है, मतलब कि अर्ध अर्धवार्षिक। चलिए इसको बना के दिखाइए, आपका अर्धवार्षिक वाला बना के दिखाइए, तो ये क्वेश्चन है इतना। क्वेश्चन नंबर 18 बनाना है बाबू सबको, क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है, 18 18। रेट में डिवाइड, टाइम में मल्टीप्लाई, जल्दी। अब देखिए एक बार मोबाइल निकाल के गुणा भाग करने वाला है, सर 15 का 52 ले रहा है, क्या रहा है, 100 पर एक बात ही पता चल रहा है, 100 किए हैं, ये बोल रहा है कि पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा है। चलिए इस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे और छोड़ दें, इस गुणा भाग कर लीजिए, कांसेप्ट तो सही होता है ना, कांसेप्ट तो नहीं गलत है, गुणा भाग का चक्कर नहीं पड़ना है, इसको बना के दिखाइए प्रोसेस। देखते हैं किसका सही होता है, वेट कर रहा है इसके लिए, टाइम 1.5 साल, रेट 10%, मूलधन 2400 रुपया, सीआई क्या होगा, और यहाँ लगा दिया और वार्षिक भी लगा दिया, छमाही। क्वेश्चन नंबर 18 है, 246 आता है इसमें, 18 का मूल्य बनाने के लिए। क्या हम बनाए जल्दी, इतना समय लगता है इस क्वेश्चन में, टाइम में 2 से गुणा होगा ना, अब मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा रेट में, हां हां 5% अब हो जाएगा 378.3 आ रहा है, सही है इसका, सही है सर, मेरा भी सही है, तब 378.3 आया मेरा, ऑप्शन है ही नहीं, पॉइंट गायब कर दिया है का, कितने नंबर बनाना है, 18 जी सर,
देखते हैं कितना आता है, क्या अपना है। चलिए टाइम पहले इसको देखिए, यहाँ से दो दो एक दो एक तीन बाई दो होगा कि नहीं। टाइम में दो से कितना साल हो गया, डेट में कितना से भाग, कितना साल हो गया। तो सी आई बराबर क्या होता है, पी कितना है 2400 है, पी कितना है 2400, वन प्लस आर कितना है 5 में क्या हो जाएगा 100 का पावर कितना हो जाएगा 3 और माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2400। और ये कितना हो जाएगा, कितना बार में जाएगा 20, तो 21 के पावर बाय 20 के पावर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा आपका 2400। थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाएगा तो 441 ना कर दिए हैं 92 बस 92 और 61 नीचे 8 और 3 को 0 माइनस 1 बचाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2400 * 1261 है भाई 8083 के 24 तो यहाँ 24000 है कि क्या है, 2400 तो 2 से 2 0 गया 83 के 24 तो नीचे क्या हो जाएगा 10, तो गुना करेंगे तो 3 36 18 के 8 और हाथ में 1 3 गुना 6 1 7 37 18 ठीक तो है, सही है आंसर, ये सही है। ऑप्शन टाइपिंग में गलती कर दी, समझ में आया राहुल सर? इसमें t बराबर 2:3.5 था। अरे तो ये फ्रैक्शन में था, छमाही तिमाही कहीं कहा, इसमें छमाही कहा है कहीं पे, इसमें छमाही कहा तो उसको लेना है ना, पूर्णांक आपका सही है दिमाग लगाना 1/2, लेकिन पहले जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके अनुसार सॉल्व करेंगे उसके बाद ना सोचेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कुछ बचा है नहीं, 300 ना गया, समझे जी आप लोग? रुकिए सर, रुकिए अपना क्या उसे मिटाया जाए, इधर मिटाने वाले हैं आपका, उधर मिटा दो। फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला याद हुआ किसको, किसको याद हुआ जी? सेक्शन वाला क्या बोले, सेक्शन वाला, चलिए सेक्शन वाला, चलिए 1 प्लस क्या हो जाएगा बोलते जाइए, आर बाई 100 के पावर अब बगल में भूलना नहीं है, माइनस वन लगाइए नहीं रहेगा तब ना। अगला किसका पे, किसका पे नंबर आ गया अगला, अगला जो है 19 नंबर बना के दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, कह रहा है कि एक राशि 8 वर्षों में, कितना वर्षों में जी, 8 वर्षों में साधारण ब्याज मतलब कि रेट 40% पे साधारण ब्याज और 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर मतलब सेम रेट पर 40% पे टाइम 2 वर्ष के में 3000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना का 3000 रुपये का, 3000 रुपये का सी आई बताना है, दिमाग लगाइए तो इसको नहीं लिख रहे हैं क्या जी धीरे जाओ, चलिए नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना है 9, कितना नंबर क्वेश्चन था, 19 नंबर में है कि एक राशि 8 वर्षों का साधारण ब्याज
और 40% की क्या होते हैं वृद्धि टी पावर 2 दे सर टी पावर 2 लिखिए सर क्या होता है टी पावर 2 लिखिए 2% अलग अलग सर 8% अरे इसमें क्या चलना है इसमें चलना है कि हमको रेट कितना परसेंट है 40% इसका रेट हमको नहीं पता है निकालना पड़ेगा नहीं इसमें कह रहा है रेट नहीं दिया हुआ है कह रहा है कि 8 वर्ष देखिए एसआई बराबर क्या होता है एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी में क्या होता है ठीक है यहाँ से अगर रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका रेट बराबर कितना हो जाएगा एसआई इंटू 100 अब भाई क्या हो जाएगा आपका आर तो खत्म हो गया क्या हो जाएगा पी और 5% दिक्कत अब यहाँ से मान लेते हैं कि पी कितना रुपया होगा 100 ठीक है ब्याज 40% बढ़ रहा है यानी कितना रुपया 40 रुपया कह रहा है ना ब्याज जो है 40% की क्या होती है वृद्धि होती है तो 100 पे 40% 40 रुपया बढ़ा ब्याज और टाइम कितना साल में हो रहा है कितना साल में 8 वर्ष में हो रहा है दिक्कत तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से रेट निकल जाएगा तो रेट कितना हो गया आपका एसआई हो गया 40 100 अब पी कितना दिया हुआ है 100 और टाइम कितना है ये आपका 8 वर्ष 100 से 100 खत्म कितना परसेंट कितना परसेंट करा जो इसका रेट आया है सर ना उसी रेट पर मतलब उसी रेट पे 2 साल के लिए पैसा कितना हजार है 3000 है कि 30000 कितना हजार है 30000 एक और जीरो बैठेगा 30000 का सीआई क्या होगा तो सीआई बराबर तो बता चुके हैं सीआई बराबर क्या होता है बोलते जाइए पी पी और 1 प्लस क्या होता है आर कितना परसेंट 5/100 और टाइम कितना 2 -1 सबको सॉल्व करवाइएगा बन जाएगा ना सर यहाँ समझा रहे हैं सर यहाँ पे ये देखिए कह रहा था ना कि जितना आपका पैसा होगा उस पर कितना ब्याज बढ़ रहा है 40% मान लेते हैं कि पैसा हमको नहीं पता है तो 100 मान लेते ब्याज उसका कितना हो जाएगा 40% बढ़ रहा है 40 रुपया तो मेरा 8 टाइम कितना है 8 वर्ष तो सिर्फ बच गया आ रहे ना तो यहाँ से 8 निकाल दिए तो कह रहा कि जो रेट आएगा उसी पे क्या निकालना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है समझ गए सेम क्वेश्चन है 20 नंबर भी 20 नंबर क्या है सेम है तो अब 20 बना लीजिएगा समझ गए अगला किस पे गौर करना है 21 नंबर तो 21 नंबर बनाइए पढ़िए 21 नंबर इसको लिख दीजिए और 21 देखिए उसके बाद 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 70 30 75 21 का नहीं ये गिना नंबर था 20 उन्नीस नंबर जो भी आया हो 19 का आ गया 30 75 30 75 यानी आपका हो गया आंसर डी कितना गया 30 75 यानी हो गया डी अगला कितना नंबर बनाइएगा जी आपको डायरेक्ट बनाना है 21 नंबर अगला कितना नंबर रहेगा 21 इधर मिटा दिया जाए क्या तब दुर्गा पूजा में सब यही रहने वाला है कि बाहर भी जाने वाला है घूमने के लिए कहाँ कलकत्ता यही इनकम टैक्स वाला चलिए इनकम टैक्स तो आपका इतना भीड़ रहता है कि मत पूछिए बस देखिए गंगा ऊपर का आदमी ना बहुत कम आता है पटना घूमने अच्छा बात सही बोल रहे हैं आता नहीं सर अब पुल बन गया तब ना आ रहा है मतलब पहले गांधी सेतु था तो जाम लगा रहता था लेकिन मसौढ़ी का लीजिए गया का लीजिए पूरा भर के आ जाता है सब जब आदमी मरा था ना कौन था जी आपका जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री था उस समय मरा था ना दशहरा के दिन अरे मुख्यमंत्री उस समय जीतनराम मांझी ना था जिस समय गांधी मैदान में जो आपका गिरा था गांव वाला
जो मगधर में जो था तो उसमें ज्यादातर आदमी कहाँ का मरा था, गया, जहानाबाद, हाजीपुर, ये सब के आदमी बहुत कम मरा था क्योंकि सब उधर में भुला जाता है अपना। और गया जहानाबाद क्या है, 50 वो ट्रेन है ना जी, इतना ट्रेन है कि मन करेगा ना तो खाना खाइए। अरे बहुत बच्चा ना पटना पढ़ने आता है, मतलब जहानाबाद से हम खुद पढ़ाने जहानाबाद जाते थे तो सोचिए गया चल है तो इसी जाते थे ना, तो बच्चा बहुत पढ़ने आता था जहानाबाद से पटना, और फिर जैसे क्लास उलास कर लिया ना तो 3-4 बजे घरे चल जाता था। लड़की लो, लड़का लोग का तो बातें छोड़िए, लड़का लड़की सब अब पास बना ली है सब, आपका समझे कितना मेहनत करते हैं, अब लोग पटना में रह के नहीं पढ़ते हैं, इसी से समझे थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा रहे तो चिल्लाने लग रहे हैं। तो चलिए बना के दिखाइए, एक इक्कीस नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 21 बनाना है। किसी राशि पे क्वेश्चन मिला लीजिए त्रिभुवन, किसी राशि पे 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जी आपका, 40.80 रुपया, ठीक है ना, 40 रुपया कितना है, 80 पैसा है, तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और क्या दिया है, क्या दिया दिया है, साधारण ब्याज दिया है, तो हमको निकालना क्या है, रेट चार परसेंट कैसे बनाए थे भाई, साधारण ब्याज एक साथ ले 20 रुपया, 2 साथ ले 20 रुपया, लेकिन एसआई में सीआई में हमारा क्या होगा, एक साथ ले 20 रुपया, 2 साथ के लिए 20 रुपया, 40 देखिए यहाँ से जब भी ऐसा रहेगा रेट निकालने के लिए कहेगा तो क्या कर दीजिएगा, सी आई माइनस एस आई 1/2 इंटू क्या हो जाएगा ऐसा ही, परसेंटेज रहता है तो क्या हो जाएगा 100, अब बोले कितना है 40.80 रुपया है माइनस कितना हो जाएगा 40 रुपया 1/2 कितना रुपया है एस आई 40 है इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना बार में जाएगा 20, कितना बार में गया 5 बार में, ये 40 यानी कितना पैसा बचेगा 80 × 5, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 जाएगा, 5 × 2 = 10, यानी 2 × 4 = 4, कितना परसेंट हो गया, सही है ना, पास सेम क्वेश्चन है 32 नंबर ना दिखाइए तो 32 सेम क्वेश्चन है 32 सेम क्वेश्चन को लाइक और देखो ना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 निश्चय धनराशि तो फिर समझ में आ रहा है जी आपको, छोटी आपको बोल रहे समझ रहे हैं ना पूरा, वो तो माही पूरा टैलेंटेड बच्ची है, थोड़ा मोड़ा टैलेंट नहीं है, सब समझती है, जो क्लास ऑप्शन नहीं करेगा ना वो समझ में करेगा, माही पता है ना किसका नाम है, धोनी का नाम है ना, 2% आया है, 2% आया है, चलिए आपको भी बनाइए,
चलिए उसके बाद क्या क्या पढ़ाए हैं अभी बता दे रहे हैं, पाँच मिनट के अंदर क्या क्या पढ़े हैं शुरू से अंत तक, अभी बनाना पड़ेगा क्या प्रतिमा? नहीं सर, रिविजन स्टार्ट करेंगे कि अभी क्या क्या पढ़ाए हैं शुरू से अंत तक, कितना टाइप पढ़ाए हैं क्या पढ़ाए, स्टार्ट करें आज ही का, तो क्या पूरा शुरू से बताएंगे मिटाई सब साफ किया जाए ना। 2% सर। कितना परसेंट आ रहा है? 2% 2% देख लेते हैं। देखिए आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है नामे से नहीं पता चल रहा है, आइंस्टीन इसको बोल के गया था कि आठवां दुनिया का कौन कितना जुआ है, आठवां जुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बात समझ जाइए, अभी आपका तो अजूबा बहुत सारा ना आ गया, सबको ऐड करते गया ना, वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो अभी ऐड कर दिया है, अजूबा पहले सातवें आठवां सातवें होता लेकिन अभी ऐड होते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो उस समय सात वो था तो वही बोला गया था कि दुनिया का आठवां अजूबा कौन है जी आपका, तो इसी चिड़िया का नाम है, तो कौन है आपका, चक्रवर्ती व्यास, यही है आपका आठवां अजूबा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बढ़ते जाता है, जो बढ़ेगा उस पर भी पैसा लगता है, क्या यही बताया है कि जो पैसा लगेगा, जैसे नॉर्मली अगर 100 रुपया था तो 10% एक साल का कितना रुपया, 10 रुपया। तो एक साल का एक चीज और समझिए कि एग्जाम में ही घुमा देता है, एक साल का एसआई और सीआई क्या होता है, एक साल का एसआई सीआई क्या होता है जी, बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, एक साल का एसआई और सीआई क्या होगा, बुलबक बनाएगा कि एक साल का सीआई कभी लगेगा नहीं, सीआई कितना पे लगता है, अगला साल पे, और एसआई तो सेम चलता है मूलधन को लगता है, तो मूलधन कितना रुपए लगाए थे, 100 का 10% बता चुके हैं, कितना हो गया 10, लेकिन अगला बार इसमें क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है 10 रुपये ऐड हो जाता है, कितना परसेंट, 10%, यहाँ से 2 से 2 जीरो खाते में कितना रुपया, क्या अभी सब बताएंगे, अगला क्लास में आइएगा ना तो बताएंगे 5%, 10%, 14%, ये सब डायरेक्ट याद करके रखना है, एक साल का कितना होता है सीए, 2 साल का कितना होता है 3 साल का, तभी तो जाके एग्जाम में हिट कर पाइएगा। फिर भी आपका अगला कितना हो जाएगा, आपका 10/100 यानी कितना हो गया आपका 10, कितना हो गया यहाँ से देखिए तो 100 कितना, 21 का 10% तो कितना हो जाएगा 12.1, क्या अब यहाँ से देखिए फर्क क्या है कि इसमें 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये लगा, इसमें 10 रुपया 11 रुपया और क्या लगा 12.2, नहीं इसका फॉर्मूला जो बताए थे कि एस आई बराबर क्या होता है P into R into T by 100, इसमें जो बताए थे कि A बराबर नॉर्मल होता है P 1 plus R by 100 के पावर T, अगर फ्रैक्शन रहेगा तो क्या हो जाता है, अगर फ्रैक्शन रहेगा तो P बराबर कितना होता है 1 plus R by 100 के पावर T, क्या होता है जी पीछे R F और एग्जाम में आजकल यही दे रहा है, समझ गए आर एफ वाला, हम माइनस वन नहीं करा कहाँ में रहा है, बस सीआई रहेगा, सीआई यहाँ सीआई करेंगे, ए नहीं है, समझ गए, अब जब सीआई लगाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे जी सर, जब सीआई रहेगा तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा आपका पी पी वन, वहाँ देखिए मेरे तरफ 1 plus R by 100 के पावर T, अब माइनस कितना बाबू, सही जा रहा है ना, फ्रैक्शन में जा रहा है, अभी तो ये नॉर्मल वाला हो गया ना, अब फ्रैक्शन ज्यादा तो इसी में क्या हो जाएगा P 1 plus R by 100 पावर T, क्या 1 plus कितना R F by क्या हो गया 100 और कुछ होगा, हाँ 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 माइनस सी आई ना है, माइनस वन होगा, ठीक है क्या, तो ये एस आई हो गया और ये क्या हो गया, सी आई नहीं,
बोले थे कि जब नॉर्मल रहेगा तो 21% लेंगे दो साल के लिए 10% रेट पे, लेकिन जैसे अमाउंट आएगा तो क्या लगेंगे 121, सभी तो याद रखना है क्या। और बताया थे कि रेट बराबर निकालना रहता है तो क्या होता है, सी आई माइनस एस आई 1/2 एस आई इनटू क्या हो रहा है, हमने यही फॉर्मूला बताया था कि नहीं, तो आप फोटो क्लिक कर दो नॉर्मली ध्यान में रहेगा क्या। One minute.